हेलो साथियों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूरन की सब्जी। इसे हम जिमीकंद, ओल के नाम से भी जानते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यहाँ मैंने एक ओल लिया है, इसे मैं छीलकर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। आप ओल काटते समय अपने हाथों पर सरसों का तेल या नींबू लगाकर काटें, इससे हमारे हाथों में खुजली नहीं होती है। यहाँ मैंने ओल को काटकर अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ एक फ्राई पैन बैठाई हूँ, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालकर इसमें मैं ओल को अच्छे से कम आंच पर भूनूंगी। डाल ले यहाँ ओल अच्छे से। अब मैं यहाँ एक पूरे नींबू को निचोड़कर इसका रस इसमें डालूंगी। नींबू के रस डालने से हमारे ओल काला नहीं पड़ते और इसकी सब्जी देखने में काफ़ी खिली खिली दिखती है। मिला ले इसे अच्छे से और इसे भूनकर हम लाल करेंगे। मैं यहाँ अभी इसमें नमक या हल्दी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस इसे नींबू के रस के साथ ही भूनी हूँ मैं। अब हमारा ओल भून चुका है। अब मैं यहाँ इसे कुकर में बनाऊँगी। मैंने यहाँ कुकर में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल के गर्म होते ही इसमें मैं 2 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता डालकर इसे अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ 3 प्याज ली हूँ, इसे मैंने रफली चॉप किया है। प्याज डालकर अच्छे से भून लेंगे। दो से 3 मिनट प्याज भुनने के बाद अब हम यहाँ मसाले डालेंगे। कुछ यहाँ मैंने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे हमारी सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक मैं पूरी सब्जी के लिए डाल रही हूँ। नमक डालने से हमारा प्याज भी अच्छे से गल जाएगा। अब मैं यहाँ प्रेशर कुकर बंद करके 1 सीटी लगाऊंगी। सीटी लगाने के बाद कुकर ठंडा हो चुका है। अब मैं इन मसालों को फिर एक बार अच्छे से भून लूँगी। हमारा प्याज और मसाला काफ़ी अच्छे से गल चुका है।
अब मैं यहाँ ये फ्राई किए हुए सूरन को डाल दूंगी और डालकर मसालों में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आमचूर पाउडर डालने से सब्जी का स्वाद काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ दो ग्लास पानी डाल रही हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डालें और यहाँ मैं दो विसिल लगाकर सब्जी को तैयार कर ली हूँ। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाली हूँ, डालकर इसे भी अच्छे से मिला लें। दो मिनट खोलने के बाद हमारी ओल की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। ये चावल के साथ या रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।